मैं हूं सजीरुद्दीन और आप देख रहे हैं सजीर बाइक गुरु। तो फ्रेंड्स, मैं वेस्ट बंगाल के रहने वाला हूं और मैं बाइक मैकेनिक। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो का टॉपिक है, हीरो कंपनी का जितना भी बाइक है उस बाइक में होता है हम लोग का सस्पेंसर। सस्पेंसर में जब वॉइल सील कट जाता है तो उसी दौरान हम लोग क्या करते हैं, नया वॉइल सील जब लगाते हैं तो उसी दौरान हम लोग इसके अंदर जो वॉइल दिया जाता है हम लोग वॉइल भरते हैं। और भरने के बाद क्या होता है, कोई कोई बाइक में हार्ड हो जाता है, कोई कोई बाइक में हम लोग का ज़्यादा खेलता है। लेकिन कंपनी द्वारा कुछ हम लोग का PDF 5 जो होता है, कंपनी जो रिकमेंड होता है, वो सब मैकेनिक भाई को, आपको, हमको ये सब नहीं पता है। तो आज हम क्या करेंगे, वीडियो के जरिए से आप लोग को शेयर कराऊंगा जो स्प्लेंडर बाइक में कितना ऑयल हम लोग डाले, CD 100 पे कितना डाले, सुपर स्प्लेंडर में कितना ML हम लोग डाले, ग्लैमर बाइक में कितना ML डाले, यानी कि हीरो की जितना भी बाइक है सभी बाइक की आप लोगों को बताऊंगा क्या सस्पेंसर में ऑयल कितना आप लोग डाले, जिसमें कि कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी यानी कि प्रॉब्लम ना हो। तो आप लोग वीडियो में जुड़ा रहिए और इस वीडियो को उन मैकेनिक को आप लोग शेयर करो जो नया नया बाइक मैकेनिक बनना चाहते हैं और पहले से काम कर रहा है। चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरे हाथ पर दो सॉकर ऑयल है, एक छोटा वाला, एक डब्बा वाला। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, जो 100 cc का बाइक होता है एक डब्बा ऑयल हम लोग भर देते हैं, और जो हम लोग का बड़ा डब्बा होता है इसको हम लोग आधा करके डाल देते हैं। बट रूल्स जो है ये नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। ये जो छोटा ऑयल है इसके अंदर 175 ml दिया गया है। क्यों? ये यूनिवर्सल बाइक के लिए है। या आप लोग 100 cc बाइक में हो या 150 cc बाइक में हो, आप लोग एक एक सस्पेंसर में दे सकते हैं। लेकिन 200 cc का ऊपर अगर जो बाइक होता है उसमें आप लोग इसको आप लोगों को मिला के देना पड़ता है। तो कंपनी 175 क्यों दिया है आपको पता है, हर कोई बाइक में अलग अलग यानी कि माप दिया गया है। अगर एक ऑयल आप लोग डाल देंगे तो सस्पेंसर कभी भी हम लोग सही स्मूथली चलेगा नहीं और बाइक हार्ड चलेगा और बाइक जो है वाइब्रेशन करेगा। तो इसके लिए सही ML देना है, जो कितना ML आप लोग डालिए। चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ जो आप लोग इससे भी आप लोग काफ़ी सारे बाइक में अलग अलग पुर्जा होता है आप लोग दे सकते हैं। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, हीरो हुंडा एक बाइक था पुराना ज़माने का जो CD 100 था। CD 100 बाइक में उसका सस्पेंसर छोटा था, तो उसमें हम लोग क्या करते थे, 85 ml ऑयल हम लोग डालते थे, यानी कि 85 ml CD 100 में आप लोगों को देना पड़ेगा। अब आते हैं स्प्लेंडर प्लस, स्प्लेंडर प्रो, पैशन प्लस, इन तीनों बाइकों में आप लोगों को देना पड़ेगा कितना, 165 ml आप लोगों को सॉकर ऑयल डालना है। 165 ml अगर आप लोग डालें तो उसका सस्पेंसर का जो यानी कि क्लियरिंग है, यानी कि हार्ड है, सॉफ्ट है, वो बन जाएगा। तो आप लोगों को पैशन प्रो, पैशन प्लस, स्प्लेंडर प्लस, ये सब में आप लोगों को, स्प्लेंडर प्रो, ये सब में आप लोगों को 165 ml आप लोगों को देना है। अब आते हैं गाइस पैशन एक्स प्रो, पैशन एक्स प्रो में आप लोगों को देना 167 ml, 167 ml आप लोगों को पैशन एक्स प्रो में देना है। कंपनी रिकमेंड यही बोलता है। और आप लोगों को लास्ट में PDF फाइल भी आप लोगों को शेयर कराऊंगा, तो आप लोग PDF फाइल पर भी आप लोग देखकर काम से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब आते हैं सुपर स्प्लेंडर, सुपर स्प्लेंडर जो बाइक होता है 125 cc, उसमें आप लोग कितना डालें। तो फ्रेंड्स, सुपर स्प्लेंडर में आप लोगों को देखना पड़ेगा 157, यानी कि 150 ml और 7 ml और 197 ml आप लोगों को देना है। अब आते हैं गाइस स्प्लेंडर NXG, स्प्लेंडर NXG में कितना डाले, तो स्प्लेंडर NXG में आप लोगों को डालना पड़ेगा 163 ml सॉकर ऑयल आप लोगों को डालिएगा, उसका सस्पेंसर सॉफ्ट आएगा। तो ग्लैमर बाइक में वही फॉर्मूला जो सुपर स्प्लेंडर में बोला था, उसमें भी आप लोग 197 ml डाल सकते हैं। अब आते हैं हीरो एक्सट्रीम, एक्सट्रीम गाड़ी में आप लोग कितना डाले। तो फ्रेंड्स, एक्सट्रीम गाड़ी में आप लोग डाल सकते हैं 175 ml, 175 ml एक एक सस्पेंसर में आप लोग डालिए, आप लोगों का काम बन जाएगा, सस्पेंसर एकदम सॉफ्ट चलेगा। अब आते हैं हीरो कंपनी का हंग बाइक में आप लोग कितना डालें। तो फ्रेंड्स, हंग बाइक में आप लोगों को डालना पड़ेगा 143 ml। क्यों? उसका सस्पेंसर थोड़ा पतला है और हंग में आप लोगों को 143 ml अगर आप लोग ऑयल डालें तो परफेक्ट सस्पेंसर जो है खेलेगा। अब आते हैं HF Deluxe VS6 हो, यानी कि VS4 हो, VS3 हो, 163 ml ऑयल डालें। 163 ml ऑयल डालने से क्या होगा, एकदम मक्खन जैसा आएगा, आप लोग भर के देख लीजिए। अब आते हैं इग्निटर,
इग्निटर बाइक में आप लोग कितना डाले हैं? तो इग्निटर बाइक में आप लोगों को डालना पड़ेगा 177 ml ऑयल डालना पड़ेगा इग्निटर बाइक के लिए। तो 177 ml इग्निटर में डालिए, आप लोगों का काम बन जाएगा। अब आते हैं करिश्मा जेटार बाइक की। करिश्मा बाइक में 156 ml ऑयल डालना पड़ेगा। 156 ml डालने से सस्पेंसर एकदम सॉफ्ट खेलेगा। अब आते हैं स्प्लेंडर आई स्मार्ट। स्प्लेंडर आई स्मार्ट में कितना डाले? तो फ्रेंड्स, स्प्लेंडर आई स्मार्ट में आप लोग 177 ml ऑयल डाले, सस्पेंसर एकदम बेहतर खेलेगा। अब आते हैं एक्सट्रीम 200 cc। एक्सट्रीम 200 cc में हम लोग सस्पेंसर में ऑयल कितना डाले? तो फ्रेंड्स, एक एक सस्पेंसर में आप लोग 290 ml एक्सट्रीम में आप लोगों को डालना पड़ेगा, तब जाके उसका सस्पेंसर जो है बेहतर से बेहतर खेलेगा। 290 ml एक एक सस्पेंसर में। अब आते हैं ड्यूट LX में कितना डाले? तो फ्रेंड्स, 82 ml मोट आप लोगों को ऑयल डालना पड़ेगा ड्यूट XL में। खाली जो ड्यूट होता है उसमें आप लोगों को डालने पड़ेगा 97 यानी कि 97 ml आप लोग डालिए, काम बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में आप लोगों ने क्या देखा, हीरो कंपनी का जितना भी मॉडल है सभी मॉडल के बारे में आप लोगों को जानकारी दिया। और आप यहां से देख लीजिए, यहां मैंने स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, हर कोई बाइक का यानी कि आप लोगों को माप देखने को मिल जाएगा। ये स्क्रीनशॉट उठा के रख लीजिए, आप लोगों को काम आएगा। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और कमेंट में आप लोग ये भी बताइए, बजाज की गाड़ी होता है बजाज की गाड़ी के लिए अलग वीडियो आप लोगों को बनाऊंगा, TVS का जो गाड़ी होता है TVS की बाइक के लिए अलग बनाऊंगा, हुंडा की बाइक है हुंडा के अलग से बनाऊंगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, किस बाइक के बारे में उसी बाइक के पहले आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए गाइस, यहां से हम वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू।